हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम की ओर से जून क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अनऑडिटेड फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड का, जो कि हम लोग कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। नंबर जो दिया गया लैक्स में है, इनकम है 782.6 करोड़ का मार्च 2024 में, 631.6 करोड़ का जून 2023 में, 875.8 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन है। एक्सपेंस 762.7 करोड़ का मार्च 2024 में, 613.9 करोड़ का और जून 2023 में 831.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20.6 करोड़ का मार्च 2024 में, 18.9 करोड़ का जून 2023 में, 44.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 15.4 करोड़ का मार्च 2024 में, 13.9 करोड़ का जून 2023 में, 33 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। EPS 0.47 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिल रही है। तो गाइज, कंपनी का रिजल्ट एवरेज है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भले इनकम प्रॉफिट इंक्रीज है, बट ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। सेगमेंट वाइज सिलेंडर डिवीजन, LPG डिवीजन, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ईयर ऑन ईयर में डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है। स्टैंडअलोन में इनकम है 776 करोड़ का मार्च 2024 में, 593 करोड़ का और जून 2023 में, 803.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंस 757.3 करोड़ का मार्च 2024 में, 579 करोड़ का और जून 2023 में, 765 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18.9 करोड़ का मार्च 2024 में, 14 करोड़ का जून 2023 में, 38.5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 14 करोड़ का मार्च 2024 में, 9.3 करोड़ का जून 2023 में, 29 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। EPS 0.44 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिल रही है। रिजल्ट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट आएगा एवरेज है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है इनकम प्रॉफिट, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है, इसलिए गाइस रिजल्ट कंपनी का एवरेज पेश किया है। वहीं अगर हम इसकी बात करें गाइस शेयर का, तो कंपनी का जो शेयर है इस बार का देखा जाए तो 86.79 रुपीज़ पे क्लोज किया, 1% का लॉस हुआ है। 5 डे में 1.6% का लॉस है, 1 मंथ में 7.3% का प्रॉफिट और 6 मंथ से 8.6% का लॉस है। तो गाइस कल के दिन इसमें एंट्री करने से पहले गाइज आपको देखना होगा कैसा परफॉर्म करता है। गाइज नेगेटिव ओपन होता है तो आप इसमें वेट कीजिए, अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।